नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश शर्मा, DHMS। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पेट की तकलीफ़ों के बारे में आपको बता रहे हैं। मेनली पेट में जो तकलीफ़ें होती है, चाहे गैस एसिडिटी का शिकायत हो, खट्टी डकारें आ रही है, बदहजमी हो रही है, या खाया पिया हजम नहीं होता, बदहजमी रहती है, कुछ भी खाते ही टॉयलेट के लिए भागना पड़ता है, या फिर घबरा कर उल्टी आनी शुरू हो जाती है। यानी कि जितनी भी पेट की दिक्कतें होती है, पेट में अफारा रहना, भारीपन रहना, कुछ भी खाने का मन ना करना, ये जितनी भी तकलीफ़ें होती हैं अक्सर हमारे गलत खान पान की वजह से। क्योंकि आजकल का जो खान पान है, कुछ तो वैसे ही पेस्टिसाइड युक्त हो चुका, काफ़ी ख़राब खाना है, उसके बाद भी फास्ट फूड, तली फली चीज़ें, मैदे की बनी हुई चीज़ें, या बाहर का खाना ज़्यादा खाना, बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाला लेते रहना, जिसकी वजह से अक्सर पेट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा बैठे रहने के कारण, लगभग बैठे रहते हैं, बैठे का काम करते हैं, उसकी वजह से भी गैस एसिडिटी की शिकायत हो जाती है, पेट में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। और प्रॉपर पेट साफ़ ना होने के कारण, यानी कब्ज रहने की वजह से भी गैस एसिडिटी की शिकायत या बदहजमी की शिकायत होने लगती है। तो इससे बचा कैसे जाए? इससे बचने के लिए सबसे बढ़िया साधन है अपना खान पान सुधारें। जैसे अपना हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, अंकुरित भोजन ज़्यादा से ज़्यादा लें, फाइबर युक्त जितने भी फ्रूट्स हैं उनको लिया जा सकता है, और मॉर्निंग वॉक करना, मतलब समय पर सोना, समय पर जागना, सुबह मेडिटेशन करना या थोड़ा घूमना, जिसकी वजह से हाजमा ठीक रहे। तो अगर इतना करने के बाद हाजमा ठीक रहता है तो बहुत अच्छा है, वरना मैं आपको एक होम्योपैथिक की बहुत ही बढ़िया दवा बता रहा हूँ। दवा का नाम है डॉक्टर स्टमक प्लस BC25। ये टैक्टिस इंडिया का गवर्नमेंट अप्रूव्ड फार्मूलेशन है और इमामी ग्रुप के होम्योपैथिक वेंचर द्वारा मैन्युफैक्चरिंग दवा है। दवा कॉम्बो पैक में रहती है, इसमें दो तरह का दवा होता है। पीने के लिए डॉक्टर स्टमक ड्रॉप्स, जिसके 20-20 बूंद दवा की एक कप पानी के अंदर मिलाकर दिन में 4 बार पीना होता है, और इसके साथ बायोकेमिक नंबर 25 की टैबलेट होती है, जो 4-4 गोली दिन में 3 बार चूसनी होती है। दवा को बीमारी के आधार पर कम से कम 2-3 महीना जरूर लेना चाहिए। दवा के साथ खुशबू वाली चीज़ें नहीं लेनी है, जैसे कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, इलायची, सौंफ, हींग, कॉफ़ी, या बहुत ज़्यादा तेज मिर्च मसाला, तली फली चीज़ें ना लें। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट कर सकते हैं, 8285-742-000। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।